स्टूडेंट्स, देखिए आप बीएससी थर्ड ईयर में कुछ आपको जियोलॉजी में बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी में मैं आपको आज कुछ ई-टेबल फीचर्स जो कि आपके लिए चैप्टर में भी है और प्रैक्टिकल वर्क में भी है। बीएससी की ई-टेबल फीचर्स मतलब जो खाली जो मछलियाँ जो होती भारत में पाई जाती है उनकी एक लिस्ट है, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगी कि भारत में खाई जाने वाली जो मछलियाँ होती ई-टेबल मछलियाँ खाने से क्या मछलियाँ जो होती हैं विटामिन ए डी पाया जाता है, ठीक है, ई पाया जाता है, उनके लीवर आयल जो होता है उससे विटामिन डी प्राप्त की जाती है, मतलब मछली के जो कॉर्डियक ऑयल है लीवर आयल जो तेल निकलता है उससे ऑयल निकलता है उससे भी तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि भारत में कम से कम 3.5 अरब पाउंड प्रति वर्ष खपत होती है, मतलब भारत में जो मछलियाँ खाई जाती हैं 3.5 अरब पाउंड प्रति वर्ष इसकी खपत होती है। भारत बंगाल दक्षिण भारत में बंगाल में दक्षिण में देन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इनकी ये खपत होती है। तो भारत में मछलियाँ खाई जाती हैं और ये क्या होता है एक मतलब इससे जितने भी विटामिन ए आँखों के लिए आवश्यक होती है, विटामिन डी बोन्स के लिए आवश्यक होती है, विटामिन ई जो होती है प्रजनन क्षमताओं के लिए आवश्यक होती है, तो ये सब चीज़ें जो इसमें पाई जाती है और इसमें कॉर्डियक ऑयल से भी प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे पहले लिस्ट ऑफ द ई-टेबल फिशेज, तो पहले मेजर क्रॉप क्या होता है काटला कहते हैं, दूसरी होती है कालवासु जिसे कहते हैं लेबियो कालवासु, तीसरा होती है करसा जिसे कहते हैं लेबियो गुनिया कहा जाता है, करसा फिश होती है जिसका मेजर क्रॉप कहलाते हैं। जो लिस्ट में बताई थी सबसे पहले मेजर क्रॉप के बारे में बताई, फिर होती है ब्रिगाला, तो सीरिनस ब्रिगाला के नाम से जाना जाता है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, ब्रिगाला फिश आपके प्रैक्टिकल में है, काटला आपका प्रैक्टिकल में है, देन इसके बाद आपकी लेबियो कालवासु ये भी आपके प्रैक्टिकल में बाकी है थ्योरिकल है, फिर एक होती है टोर इसका वैज्ञानिक नाम है टोर, फिर होती है रेबा फिश जो होती है इसको कहते हैं क्रीम सीरिनस रेबा कहा जाता है, फिर होती है कुंटी फिश जिसे कहते हैं बॉर्बस स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये मेजर क्रॉप्स है, तो मेजर क्रॉप में कौन कौन सी काटला है जो कि आपके प्रैक्टिकल में है, लेबियो कालवासु आप इसको कहते हैं वैज्ञानिक लेबियो कालवासु कहा जाता है, करसा जिसे कहते हैं लेबियो गोनियस कहा जाता है, ब्रिगाल जिसे कहते हैं क्रीमिया सीरिनस ब्रिगाला के नाम से जाना जाता है, टोर जिसे टोर कहा जाता है, रेबा जिसे कहा जाता है स्क्रीनिया रेबा के नाम से जाना जाता है, कुंटी फिश जिसे कहते हैं हमें बारोस स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आपकी मेजर क्रॉप हो गई जो कि भारत में खाई जाती है। इसके बाद होती है कुछ कैटफिश जैसे कि परहिल मछली को बर्गो अट्टू भी कहा जाता है, बर्गो अट्टू जो होता है आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में है परहिल या बर्गो अट्टू फिश कहलाती है। इसके बाद होती है टिग्रा मछली होती है मिस्टियस श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है, टिंगारा मछली जो होती है टिंगारा मछली को क्या जाना जाता है मिस्टियस श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके प्रैक्टिकल वर्क में है। देन इसके बाद होती है चिंतामा टेलीग्रस इसे मिस्टियस कैलस के नाम से जाना जाता है, फिर होती है सिंगी मछली को कहते हैं हेट्रोनेस्टा के नाम से भी जाना जाता है, उसका एक फॉसिल है जीवाश्म मछली के रूप में भी है, ठीक है सिंगी। फिर इसके बाद होता है बंगुर फिश, बंगुर फिश को क्लेरियस बैक्ट्रस के नाम से जाना जाता है, बंगुर फिश ये भी आपके प्रैक्टिकल वर्क में। फिर कुछ म्यूरस मछली होती है, म्यूरस पहली होती है सार दूसरी होती है काकी, ये दो मछलियाँ जो होती है इनकी जो म्यूरस में आती हैं। कुछ फैदर बैग मछलियाँ होती हैं जैसे चिताल तारा मछली जो होती है नोटो फेमस के नाम से भी जाना जाता है, ओली फिश जो होती है नोटो टेरस कहा जाता है। फिर इसके कुछ मछलियाँ समुद्री मछलियाँ मैराइन से पहले हिलसा के नाम से जाना जाता है, भिंडी को सिकेलियस के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या हो गई आपकी मछलियाँ जो कि ईटेबल है और भारत में खाई जाने वाली लोग हैं। अब देखिए मछलियों के अकॉर्डिंग जैसे कि आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो जैसे काटला है तो क्या है, अगर इसको आपको प्रैक्टिकल में दे देते हैं तो इसका आपको पूरा फिन फार्मूला लिखना है, देन फिन फार्मूला लिखने के बाद इसके डॉर्सल वेंट्रल जिसमें फिन है ये लिखना है, इसका उपयोग खाने में किस तरह यूज होती है, तो ये सब क्या है आपका ये थ्योरिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो जैसे कोई आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे आपके पेपर में आ सकता है इसका 5 नंबर में भी आ सकता है कि ईटेबल फिश भारत में खाई जाने वाली मछलियाँ, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि भारत में खाई जाने वाली मछलियाँ जो है 3.5 अरब पाउंड प्रति वर्ष खपत होती है भारत में मास, जहाँ की बंगाल दक्षिण भारत और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इसकी खपत होती है। देन फिर आप लिखते हैं कि मछलियाँ जो होती हैं खाने में उपयोगी होते हैं, देखिए इनके जो फिन जो होते हैं उनसे भी क्या होता है सौंदर्य चीज़ें बनाई जाती है, इसकी आँखों का भी उपयोग होता है, जो कुछ कमर दर्द वगैरह जो होती है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसकी जो हड्डी जो होती है उसका यूज किया जाता है,
इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई पाई जाती है। विटामिन के रूप में होती है मोस्टली, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो विटामिन डी वाली होती हैं, वो कॉडिया आया है, लीवर आया है, मछली के तेल से भी प्राप्त की जाती हैं। सौंदर्य के रूप में भी मछलियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा कुछ कोरल फिशेज भी होती हैं, कोरल रिफ के टाइप से, जो कि इनका उपयोग होता है। तो परंतु अभी मैं आपको